हाँ जी, आपका नाम? संतोष। संतोष है। हाँ जी। और पति का नाम? बलबीर है। बलबीर है जी। हाँ। तो वो गुजर चुके हैं? हाँ, गुजर चुके। कब गुजरे थे? गुजर चुके थे जिसने की 5 साल हो गए गुजरने। आप कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हैं जी। कौन सी कॉलोनी है ये? ये अम्बेडकर बस्ती है जी। हाँ जी, अम्बेडकर बस्ती। अम्बेडकर बस्ती किस जगह पे? अनाज मंडी। अनाज मंडी के पास? अनाज मंडी के पास है। अच्छा, मकान नंबर क्या है आपका? मकान नंबर तो जी ध्यान सा नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं है मकान नंबर। आपका नाम क्या है? रमेश है जी। रमेश है। अच्छा, पिता का नाम? बलबीर जी। बलबीर है, ठीक है। कितना पढ़े हो आप? अनपढ़ जी। अनपढ़ हो तो संतोष जी, आप ये बता रहे थे कि भी भेड़ें आपकी जो है इस साल भी मरी हैं, पिछले साल भी मरी हैं और अचानक मरी हैं, तो इस साल का बताओ कि कैसे मरी। इस साल मैं बताता हूँ जी। हाँ, जैसे कि एकदम दर्द आता है। हाँ, नड़ बाकी हो जाते हैं ना, को मर जाता है। अच्छा। कांपती हैं, कुछ रड़ाती हैं, बस एकदम मर जाती हैं जान। मतलब क्या है कि वो कांपती हैं? कांपती हैं एकदम। और गर्दन टेढ़ी हो जाती है? नो हो जाती है गर्दन, सीधी नो करते ऐसे नहीं होती जी, ऐसे ही रहती है। ऐसे रहती है? कितनी देर रहती है ऐसे? ऐसे जी 15-20 मिनट आराम से रहती है, फिर मर जाती है। मर जाती है। मर जाती और है। दस्त लगने कब शुरू होते हैं? दस्त लगने जिस तरह कोई भी चारा सा बार खा के आती है। कौन से खेत में जाती है? खेत में इस साइड जाती है जी, नर्मदा नर्मदा सड़न जाती है इसमें, अपने 14 सेक्टर में। 14 सेक्टर के पीछे? हाँ, पिछली साइड सरकारी खेत है। सरकारी खेत है जो शमशान घाट के पास वहाँ जाती है जी। तो उसमें उसके आने के बाद कितनी देर में बीमार हो जाती है? उसके आने के बाद जी घंटा आध घंटा बाद में यहाँ आती है, पानी पुनी पीती है, उसके बाद में दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं। कितने दस्त आते हैं? दस्त तो जी पतला पानी आता है, थोड़ा बहुत आता रहता है, ऐसी बात नहीं। कोई दवाई? दवाई दवाई तो दवाते हैं जी, इससे तो कोई आराम नहीं होता। कितने दिन में मरती है? बस कोई महीने में, कोई 20 दिन में, कोई 10 दिन में, इस तरह मरती रहती है। कौन से डॉक्टर से लिया आपने? डॉक्टर से यहाँ से लाए थे जी, यहाँ अपने पड़ोस चौक से अगली साइड में जहाँ ये डॉक्टर है इनका जी, महसों का इनका बड़ा डॉक्टर है, दवाई दुई का वहाँ से जाते हैं जी। क्या नाम है उसका? नाम तो जी कितना ध्यान नहीं है। अच्छा, तो अब ये आपकी जैसे मान लो खेत में चर के आई, नरमे के खेत में, तो उसमें कितने दिन में मर जाती है आके? यो जी हो जाता है 15-10 दिन बीमार रहती है जी, उसके बाद में उनको कुछ नुकसान होने लग जाता है, अपने आप मर जाती है जी। अच्छा, तो बच्चे ज्यादा मरते हैं या बड़ी ज्यादा मरते हैं? बड़े ही मरते हैं, बच्चे ही मरते हैं जी, दोनों मरते हैं। तो इस साल कितनी मरी हैं आपकी? इस साल तो मर गए होंगे जी 7-8 नग तो मर गए होंगे आराम से। 7-8 भेड़े मर गई? हाँ। छोटे बड़े मिला के? हाँ। बड़े कितने मरे? 4 बड़े मरे हैं, 5-1 छोटे मरे हैं। तो उसमें मान लो जैसे कितने दिन में मर गए वो, बीमार कितने दिन रहे? बीमार 5-7 दिन का बिचार है जी सारे। अच्छा, ऊपर नीचे मरे। और पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल तो कम से कम 14 भेड़े मर गई थी जी हमारी, तो उसी खेत में गए थे। हाँ, उसी खेत में गए। तो उसमें नरमा छोटा था या बड़ा था? बड़ा नरमा था, घास का था जी वो। अच्छा। पानी था उसके अंदर। अच्छा, तो